अच्छा, इसमें जो है अब हम क्या बनाने जा रहे हैं वीडियो, के आपने डेटा हाइड कैसे करना है और किन इंफॉर्मेशन को आपने डिस्प्ले नहीं करना, ठीक है? तो हमारे पास जो है वो कुछ डेटा मैंने पहले से फाइंड आउट किया हुआ, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे मैगनेट भी खुला हुआ है, मेरे पास यहाँ पे सेरिब्रो भी खुला हुआ है, ठीक है? हम जब ब्लैक बॉक्स में जाते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ब्लैक बॉक्स के पिक्चर वहाँ पे लगाएं, पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सही है? तो मैंने क्या करना है, स्निपिंग टूल के जरिए अगर मैं सेरिब्रो भी लगाना चाह रहा हूँ, एक तो कोशिश ये करें कि जो आपका कीवर्ड है इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लें, ठीक है? ताकि ये पता चल जाए कि आप किस कीवर्ड की बात कर रहे हैं आप, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, इसको इधर से ले लिया, एसिन तो नहीं आ रहा ना, ठीक है? लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे ये हिस्सा कीवर्ड का नहीं चाहिए, तो मैंने मुझे कार्ड नहीं किया था, मैं इधर से ही आऊंगा इस तरह से, ठीक है? अब इस तरह से हो गया। अब मेरे पास क्या हुआ, क्योंकि मैंने ये पहले क्लिक किया हुआ है और ये यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ है कि मेरा जो सर्च वॉल्यूम है वो ये है। अब आपने क्या करना है कि इसको एक नेम से सेव कर लेना है, सरीब्रो, ठीक हो गया? उसके बाद अब आपके पास अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम ग्राफ, इसका इमेज लेना आपने, ठीक है? 1 ईयर और ऑल टाइम, इसमें आप क्या करेंगे कि आपने ये नहीं लेना आपने ये हिस्सा, बल्कि आप ये कर लें, ठीक है? तब कोई भी आपके कीवर्ड को तो कम से कम नहीं देख सकता, ऐसे ही है? तो ये आपने 1 ईयर और ऑल टाइम जो है इसको आपने कॉपी करना, स्क्रीनशॉट यहां से इस तरह से, ठीक हो गया? ये आपके पास दो शॉर्ट्स आपके इसके भी आ गए, दैट्स ओके। उसके बाद हम चले जाते हैं गूगल ट्रेंड के ऊपर। गूगल ट्रेंड हमारा यहाँ मौजूद है, गूगल ट्रेंड भी आपने कीवर्ड के हिस्सा छोड़ने के बाद जो ये हिस्सा आपने स्नैपशॉट करना है, इसको भी आपने गूगल ट्रेंड के नाम से 5 ईयर चाहिए मुझे, इसमें 12 महीने की रिपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है? गूगल ट्रेंड भी हो गया, इसको भी आपने सेव कर लिया। ये वो पिक्चर्स हैं जो कि हम जो है पोस्ट करने की नियत से सेव कर रहे हैं, ठीक हो गया? तो ये अब तक मैंने क्या किया, सरीब्रू की पिक्चर ली मैंने, सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री की पिक्चर ली मैंने, और गूगल ट्रेंड ले लिया, जो कि हमारा 3 स्टेप फाइंडिंग का था। उसके बाद मैं आया था यहां पर, यहां पर आने के बाद ये मेरे पास कंप्लीट वैसे पिक्चर होता है ये, तो इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, मेरा कीवर्ड चले गया, मेरा सर्च वॉल्यूम तो चलो ठीक है सही है, ये हिस्सा जो है वो मेरे लिए नहीं होना चाहिए, मुझे ये एक्सपोज नहीं करना है। मुझे इसके अंदर खास तौर पे याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बाय बॉक्स वगैरह भी, ये भी नहीं आप लेना, तो आपने तमाम चीजें हिडन रखनी है, तो मैं सारी एसिन भी छुपा के रखना है, ये भी आपका जो है इन्फॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से आता हूँ, ब्रांड भी नहीं दिखाना हमने, ऐसे ही है ना? तो हमने ये हिस्सा जो है सिर्फ, और इसके अंदर हमने इस तरह से पिक्चर लेनी है, और इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, बल्कि नहीं इस तरह से नहीं लेंगे हम। आसान तरीका क्या है, कॉन्फ़िगर में जाएं और अपने जो वो हिस्सा है जो ना, जो आपने हाइड करना है, तो हाइड ही नहीं होगा यहां से, ये हिस्सा परमानेंट है, ठीक है? तो क्या हम इस तरह कर सकते हैं, ये भी नहीं जाएगा, तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी पिक्चर लेकर इसको क्रॉप करना होगा। ये हमने पूरे पिक्चर लिया है यहां से इस तरह से, ठीक है? इसलिए ताकि मुझे ये पता चले कि आपने सॉर्टेड ही रिजल्ट किया है, वरना मैं चाहता तो आगे से पिक्चर लेता, तो पता नहीं चलता कि किसने क्या सॉर्टिंग की है, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको पेस्ट करके आप यहां से आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है सैम्पल इमेजेस, ठीक है? और यहां पर आके मैंने इसको सेव कर लिया किसी भी नाम से। उसके बाद मैं यहां पे आऊंगा अपनी इमेज के ऊपर, इसको राइट क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, एडिट, ये एडिट का इस पे आ गया। इसको थोड़ा सा जो है हमें जरूरत है स्मॉल करने का, ताकि वो डेटा बेहतर तौर पे, क्या हो गया सही, ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, इधर आए, ये पूरा 3 कॉलम उड़ गया, कौन कौन सा है, डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, एसिन एंड ब्रांड, इस तरह से, ठीक हो गया? उसके बाद ये कीवर्ड यहां पर भी होता है, इसको भी यहां से आपने क्या करना है, डिलीट कर देना है, ये भी डिलीट हो गया, आपके पास सर्च वॉल्यूम है, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है।
बाय बॉक्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, याद रखिएगा ठीक है। अब आपने जो मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो डिस्प्ले करना है वो क्या क्या है, वो मिस ना हो आपके पास। आपके प्राइस होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए, रिव्यू काउंट होना चाहिए, क्रिएशन डेट होना चाहिए, जो हमारा मेन काम जो है ना वो इन तीन मेन कॉलम का लाजमी है। बाकी ये तो चीजें चाहिए चाहिए, तो आप अगर नहीं है तो यहां से ड्रैग करके उसको यहां पे ले आए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेव कर लेंगे और आप एक्सरे जितने भी सॉर्टेड या अनसॉर्टेड होगा आपने ये तीन कॉलम जो है वो क्रॉप कर देना है, हाइड कर देना है इस तरह से। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो बाय बॉक्स भी क्या करना है आपने उसमें आपने कट कर देना, हाइड कर देना, ठीक है। तो ये आपके जो सारे इमेजेस क्या होंगी प्रिपेयर हो जाएंगी, सेब्रो का भी और सर्च वॉल्यूम हिस्ट्री ग्राफ का, गूगल ट्रेंड का, और उसके बाद इसका हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो हमने क्या किया कि गूगल ट्रेंड, सेब्रो, सर्च वॉल्यूम ग्राफ, उसके बाद ये डेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, हमने उसके बाद क्या करना है, टॉप 10 ग्राफ को भी तो देखना है हमने। यहाँ पे BSR स्टेबल है, यहाँ से हमने कहा कि भाई ये मेरा जो फर्स्ट सेलर है और इसको BSR, तो हमने क्या करना है अभी जैसा भी रिजल्ट हम नहीं देख रहे, हम क्या करेंगे इस तरह से यहाँ पर आकर ये भी हम 7 या 10 BSR फॉर BSR लेना है, ये ख्याल रखिएगा। हमें ये ग्राफ नहीं चाहिए, हमें ये ग्राफ नहीं चाहिए, ठीक हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ये ग्राफ चाहिए, सही हो गया। तो ये भी हमारा डेटा जो है वो सेव हो जाएगा और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हम फिर आसानी से फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं और ग्रुप में आप पोस्ट करें, नो इशू, इसमें कोई इशू नहीं। और हमें यही डेटा देखना है एनालिसिस के लिए। अच्छा, एक और चीज, जब आप पोस्ट कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को एक अपना पेज मैंने आप लोगों को शायद दिखाया था फेसबुक के ऊपर, मैं यहाँ पे दिखा दूँ क्योंकि मैं सब वीडियो बना रहा हूँ तो जरूरी है। सर्च प्लस वर्क्स था, याद होगा आप लोगों को, सर्च प्लस वर्क्स, इसमें जो है आप लोगों ने क्या करना है कि इसी तरीके से आप लोग डेटा प्रेजेंट करेंगे। इसमें होगा क्या कि यहां पर, ठीक है, यहां पे जनरल स्काउट का डेटा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो सकता है कभी मैं आपको एक और सेशन जो है वो लाइव लेकर मैं आपको बता दूंगा कि जनरल स्काउट भी कैसे करना है। फिर एक और भी रह गया जो कि वायरल लॉन्च है, मैं आप लोगों को वो भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अभी हमारा कंसर्न क्या है वो है ये है, ये डेटा हमने यहां से कॉपी करना है, इससे कर ले और आप अपने डेटा से जो है वो उसको कंफर्म कर ले। ये हटा ले आप, उसके बाद आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने जंगल स्काउट, वेरी गुड रेवेन्यू, ठीक है। जंगल स्काउट का मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, इसको यहां से रिमूव कर लेंगे। अब मेरे पास है क्या यहाँ पे, ये देखिएगा, Amazon FBA product research for sale, private label, for sale मतलब क्या, for review, सही है ना। private label हो गया, किस marketplace के लिए, very good, अच्छा ये यहाँ पर हमने क्या लिखना है, very good revenue में लिखा है यहाँ पे, यहाँ आपने क्या करना है, analysis, आपकी जो है वो analysis क्या है वो लिखना है आपने। उसके बाद जो है helium 10 result में क्या है, आपने search volume यहाँ पे लिख लिया आपने, ठीक है। सर्च वॉल्यूम कितना है आपका, आपका 18,000 है या 18,990 है, जो भी है आपने सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आपने लिखी है, यहाँ पे CPR लिख दिया आपने यहाँ पे। उसके बाद एक चीज यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पे ये डाल दें, आप 1,000 है या 1,000, 1,500 है, 800 है, जो भी है वहां पे डाल दें। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, सेरिब्रो की जो पिक्चर है ना उसमें आप सर्च वॉल्यूम, सेरिब्रो की पिक्चर बल्कि आप डालें ही ना, मैं ये कहूंगा, सही है, हर एक बात समझे। उसकी वजह ये है कि जब आप सेरिब्रो में सर्च वॉल्यूम विजिबल करेंगे ना, एग्जैक्टली कभी भी सर्च वॉल्यूम अपना विजिबल ना करें। अगर ये 18,990 है ना, तो आप क्या करें, 18,000, 19,000 कर दें इसको, राउंड कर दें, क्योंकि करीब है ना 19,000 के। तो आपने क्या करना है, 10-15 आगे पीछे कर देना, आपने ऐड कर देना है। होता ये कि ब्लैक बॉक्स में ये इसको रिवर्स सर्च करके आपका कीवर्ड चल जाता है, तो बेहतर ये कि इसको आप हाइड रखें यहाँ पे, इस तरह से, ठीक हो गया। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हो गया, CPR 8 डेज भी जो है वो आप गोलमोल रखें, 336 है ना, आप 340 कर, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट रेफरेंस इसमें क्या डालेंगे, आप किस मार्केट प्लेस में, किस दिन आपने हंट किया और वो कितना टाइम था, वो किस वक्त आपने सर्च किया। एक सेकंड, ये रिकॉर्डेड है। उसके बाद क्या करना है आपने, इसको आपने कॉपी करना है और उस फोल्डर का नाम जो आपने क्या करना है, इधर आके आपने डेस्कटॉप आने के बाद सैंपल इमेजेस इसे पेस्ट करना है। ये आपका फोल्डर का जो है वो नाम होना चाहिए, सही हो गया। इस तरीके से आपका जो है वो फोल्डर नेम हो जाएगा। अब कभी भी कल को आपको वापस आना होगा कि किसी ने पूछा इस प्रोडक्ट के बारे में, इंक्वायरी की, तो आप क्या कर सकेंगे, उसको फौरी तौर पर ट्रैक कर सकेंगे। अच्छा, मेरी ये प्रोडक्ट है, उसका रेफरेंस नंबर ये, जिस बंदा जो बंदा मुझसे इंक्वायरी कर रहा है वो ये इंक्वायरी कर रहा है, वो रेफरेंस नंबर के जरिए इंक्वायरी करेगा आपसे, ठीक है। या मैं पूछूंगा तो इंक्वायरी करूंगा तो पूछूंगा भाई मुझे ये रेफरेंस वाली प्रोडक्ट बताओ, तो आप बता सकते हो ना। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि मैं एक फॉर्म जो मैंने कहा था कि आप लोग इंशाल्लाह मैं दे दूंगा गूगल का, वो उसमें आप लोग क्या करेंगे, जो एक्चुअल डेटा है वो आप उस पर जाके फीड करेंगे और वो इमेजेस वगैरह फिर आप उसी पे डालेंगे, ठीक है, फॉर अप्रूवल। तो आपने ये फॉलो करना है प्राइवेट लेबल के लिए। आप इसी तरीके से जो मैंने पोस्ट लगाई है आप भी पोस्ट लगा सकते हैं। अब आइंदा जो ग्रुप में पोस्ट करेंगे आप लोग वो इसी तरह से करेंगे, सारा डेटा हिडन और गोलमोल करके आप थोड़ा सा आगे पीछे राउंड कर लीजिएगा, सही। तो ये आप लोगों को आज बताना था और इंशाल्लाह फिर ये कि अब जो भी आप लोग हंटिंग करेंगे और पोस्ट लगाएंगे वो इसी चीज को फॉलो करते हुए लगाएंगे। थैंक यू।